मुबारक हो, लड़का हुआ है। इस बच्चे का नाम क्या रखोगी बेटी? सुनील, सुनील। और बाप का नाम क्या है? बाप का नाम मैं नहीं बता सकती। क्यों? कुछ कारण है। मैं नहीं चाहती उन्हें बच्चे के इस संसार में आने का पता चले। मुबारक हुआ, आपकी बहू ने बहुत सुंदर, बहुत गोरा, बहुत मोटा मोटा लड़का हुआ। जी नहीं, लड़की हुआ है। चिंता करें दादी माँ, अगली बार भगवान लड़का देगा। ना ना नहीं लोटे, मेरा राजा बेटा है ना। अच्छा अच्छा, चुप हो जाओ। नहीं 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 लोटे, नहीं बाबा। बेटी आइए, बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ कि थोड़ी सी कमाई के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती। तुम्हारा दुख और अपनी उम्र देखकर मैं ऐसा सोचती हूँ, क्यों ना तुम्हें ही अपनी बेटी बना लूं। गवर्नमेंट सर्विस में ऐसे यहाँ दिल फेंक लोगों की भी कमी नहीं। कुछ रंडुए, कुछ कुंवारे, मैं यहाँ उन सब की जरूरत पूरी करती हूँ। समझ गई ना बेटी? अच्छा बिटिया, इस बिटिया को तो संभाल के रखो, बड़ी बिगड़ी हुई है। ये भी इसी तरह बिगड़ी हुई है। हम तो जाते हैं, लेकिन एक दिन तुम्हें भी भिजवा कर लेंगे। बहू इतनी चिंता मत किया करो। चिंता किस बात की? इसलिए कि इस बार भी भगवान ने तुम्हें लड़की दी। खैर, अगली बार जरूर लड़का देगा। अगली बार? अब कोई अगली बार नहीं होगी दादी माँ। क्यों, दो बच्चे हो गए हैं काफी है? बहू, हमने विनोद की दूसरी शादी सिर्फ इसलिए। दादी माँ इतनी ऊंची आवाज में नहीं बोलो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अरे मुन्ने उन्ने की कुल बनाने की बातें मुझसे नहीं क्या करूँ, मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। दादी माँ, दादी माँ। बहुत अच्छे जी, पहले का फिलो ना सब बिक गया। लो जी ये इनके पैसे। पैसे अदर ला ते पहले दे खिलौने है पैने एनो भी ला जा। तो आप मुझ पर एहसान कर रहे थे? एहसान नहीं, बेवकूफी कर रहे थे। अरे यार चुप, बदतमीज। तुम चुप करो। सुन पैन, तू कोई ऐसा काम क्यों नहीं कर दी जिदी डिमांड होवे? एडवाइस देना बहुत आसान है, लेकिन ये बेचारी क्या काम कर सकती है? क्यों, कपड़े सीवे? सब तो पहले मैं सिलाऊंगी। मशीन तेरा बाप ला के देगा? मेरा बाप नहीं, तू ला के देगा। कौन है? इंस्टॉलमेंट पर। सुन पैन, जितना कमाओ महीने दे महीने इंस्टॉलमेंट देते जाना। जल्दी से शुक्रिया बोल दो, नहीं तो दिल बदल जाएगा। जी धन्यवाद। क्यों जी, मैं ऐसी हाँ कि मेरा दिल फिर जाए? मैं तो मस्करी कर रहा था। सच्ची? मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन दादी माँ से तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। नहीं कहूंगी, अगर तुम भी उनसे ये कह दो कि पोते पोते की रट लगाकर वो भी मुझे बोलना क्या करे। ये ना भूलो उषा कि दादी माँ ने मेरी दूसरी शादी इसलिए कराई थी कि इस घर में मुझे से कोई गरज नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने तुमसे शादी क्यों की, तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछने के लिए, अपनी बहन की आत्मा को शांति देने के लिए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि हर कोई मेरे पीछे पड़ा रहे। उषा तुम तो जानती हो कि दादी माँ पुराने ख्यालात की हैं। इसीलिए मैंने सोचा है विनोद कि हम दोनों यहाँ से कहीं और चले जाएं। सबको छोड़कर? अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ सकते तो मुझसे कहो, मैं अपनी डैडी के यहाँ चली जाऊंगी। बोलो विनोद, क्या है तुम्हारा फैसला? उषा, मैं दादी माँ को समझाने की कोशिश करूंगा। अपनी बीवी को नहीं समझा सकते थे जो मुझे समझाने आ गए हो? एक इंसान अगर दूसरे इंसान को समझा सकता तो शायद भगवान बन जाता। दादी माँ, मैं तो सिर्फ आपसे विनती करने आया हूँ कि कुछ दिनों के लिए मुझे आप वहां जाने। कुछ दिनों के लिए क्यों? बीवी की हट मानकर हमेशा के लिए चले जाओ। नाराज नहीं होते दादी माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब भी मैं वहां से वापस आऊंगा आपके लिए एक पता लेकर आऊंगा। माँ, अरे जरा इधर रख सुनील। माँ, अब हमारा घर गांव में सबसे सुंदर है ना? हाँ सबसे ज्यादा सुंदर है।
लेकिन जानते हो क्यों? क्योंकि हमारा बेटा गांव का सबसे सुंदर बेटा। और सुंदर बेटे का डैडी? सुंदर बेटे का डैडी दुनिया का सबसे सुंदर आदमी है। माँ, मेरे डैडी कभी आएंगे? बहुत जल्द आएंगे बेटा, बहुत जल्दी आ जाएंगे। चलो चलो, तुम्हें आज स्कूल जाना है ना? चलो। किसी डेरी फार्म से जाके पूछ लीजिए ना। क्या मुन्ना सवेरे सवेरे मूड खराब कर रहा है? जी बिल्कुल सीधा है, मगर लोनी फार्म तो बिक चुकी। मैंने खरीदी है। आपने खरीदी है? आपसे मिलकर बड़ी की। क्या फायदा, जो भी यहाँ आता है बीवी बच्चा साथ लेकर आता है। बच्चे का नाम सुनील जी। इसके पिता का नाम जी? आप उनका नाम नहीं लेना चाहती तो लिख के बता दीजिए। विनोद सक्सेना। विनोद सक्सेना। माँ, मैं बिटिया को यहाँ रख सकता हूँ? वो यहाँ क्या करेगी बेटा? वो मेरे साथ बैठेगी। वो टीचर सब डांटेंगे? नहीं डांटेंगे। अच्छा बाबा रख लेना। लेकिन देखो शरारत मत करना। बिल्कुल नहीं करूँगा माँ। बच्चे का नाम सुनीला। आपका नाम विनोद सक्सेना। क्या बात है, आप इस तरह मुझे? बड़ी अजीब बात है, अभी अभी एक बच्चे को दाखिल किया, उसका नाम भी सुनील है और बाप का नाम विनोद सक्सेना। सुनील और लड़की हुई तो सुनीला। आप किस सोच में पड़ गए? नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं भी सोच रहा था कि बहुत ही अजीब बात है। सुनीला सक्सेना, पिता का नाम विनोद सक्सेना। सुनो, तुम अपने भाई के साथ क्यों नहीं आई? मेरा भाई होता तो हम यहाँ क्यों आते? तो क्या वो तुम्हारा भाई नहीं है? है तो नहीं, लेकिन अच्छा है। आप बोले तो बना लो। बना लो। तुम्हारा नाम क्या है? सुनील। अच्छा, तो इसीलिए टीचर ने बोला कि तुम मेरे भाई हो। अरे तुम इसको भी ले आए, टीचर को मालूम पड़ जाए। ये क्या है? ये कूपन है, इसे अपने को फ्री गिफ्ट मिलते हैं। कैसे? ये इसी से तो दिया था। ओ, आपके लिए जमा करूं? नहीं। क्यों? मेरी मम्मी कहती है किसी से भी कुछ चीज नहीं लेना चाहिए। मेरी मम्मी तो ऐसी है, चीज किसी की भी हो अच्छी लगे तो ले लेती है। ये बेचेगा क्या? चल चल उठ। दीदी दीदी मुझे कुत्ता चाहिए। हेजलिन स्नो और हेजलिन ब्यूटी आपकी त्वचा को कोमल और सुंदर बनाता है। प्रतिदिन इसके इस्तेमाल से सुंदरता बढ़ाइए। वो ला देंगे। आगे सुंदर में कुत्ते खरीदने भेजो, जाओ खुद ही ले आओ मेरे सालग्राम के लिए। ओके डार्लिंग, तुम कहते हो तो मैं खुद ही खरीद लाऊंगी। हाउ स्वीट ऑफ यू। अपनी औलाद को कोई नहीं बेचता जमींदारन जी। मैडम मैं आपका बेटा खरीदने नहीं आई, ये कुतिया खरीदने आई हूँ। ये मेरी बिटिया है। भाव बढ़ाने के लिए इसे बेटी कहो या भतीजी? क्या दाम लोगी? 100, 200, 300? ज्यादा बातें सुनने की मैं आदी नहीं जमींदार जी। आप जाइए यहाँ से, वरना। वरना क्या? वरना मैं बताऊं बिटिया। बिटिया खैर, दुनिया में जो चीज खरीदी नहीं जा सकती उसे हासिल करने के लिए और भी कई तरीके हैं। चलो किशन, नहीं मुझे बिटिया चाहिए, मिल जाएगी।